नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे, आपका जीवन खुशियों से भर जाए, यही मैं अपने इष्ट से प्रार्थना करता हूं। और आज का मेरा वीडियो का विषय है, टॉपिक है, जिस टॉपिक में बहुत कम बात होती है, और अगर आप साधना मार्ग से, भक्ति मार्ग से जुड़े हैं तो सबसे ज्यादा इसी के इर्द गिर्द आप रहते हैं, और ये चीजें आपको सबसे ज्यादा परेशान करती हैं, जिसको आप किसी से कह भी नहीं पाते हैं। कारण ये थोड़ा सा डीप बात है, और ये कारण है कि सपने में आपको संभोग के दृश्य दिखाई देना, खुद भी संभोग करना या किसी को संभोग करते हुए देखना, अपने ऊपर संभोग करना या खुद किसी के साथ संभोग करना, ये चीजें ज्यादातर लोगों के साथ होती हैं। और ये जरूरी नहीं है कि ये चीजें सिर्फ पुरुष के साथ ही हों, स्त्रियों के साथ भी होती हैं। कई कई बार जिंदगी में हम उस मोड़ पर भी पहुंच जाते हैं जब ये चीजें भी हमारे साथ होती हैं, हमें इन चीजों से रूबरू होना पड़ता है, क्योंकि जिंदगी के सारे पहलू केवल और केवल अच्छे ही नहीं होते हैं, कुछ पहलू बहुत ज्यादा खराब भी होते हैं, और कुछ चीजें बहुत ज्यादा अच्छी भी होती है जिनको हम चाहते हैं कि ये सपना हमारा खत्म ही ना हो। इन संभोग के दृश्यों में हम कभी कभी तो अपने रिलेटिव्स के साथ भी संलग्न होते हुए देखे जाते हैं, जिसके बाद आपको घृणा भी होती है, खराब भी लगता है। मैं आपको बिल्कुल आज जो बताऊंगा वो सच बताऊंगा, और सच के सिवा कुछ नहीं बताऊंगा कि क्या होता है ये और क्यों होता है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, मैंने कुछ कारणों को अपने अनुभव के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने ज्ञान के हिसाब से पकड़ा है। सबसे पहला ये जो कारण होता है, इसको हम पहले तंत्र से जोड़ते हैं। पहला कारण हम तंत्र से पकड़ते हैं। जब भी आप कोई ऐसे निर्जन स्थान से जाते हैं, कोई ऐसे सुनसान स्थान से जाते हैं जहां पर आपको मना किया गया है कि यहां से मत गुजरना, और आपने देखा होगा कि आपके बड़े बुजुर्ग लोग कई बार ये कहते हुए नजर आते हैं कि फलानी जगह से मत जाना, ढिमकानी जगह से मत जाना, यहां पर ऐसा है वैसा है। कभी कभी हम लोग हंस के इन चीजों को नजरअंदाज भी कर देते हैं, और जान मुझ के वो कहावत है कि ओखली में अपना सर नहीं मारते हैं और पहुंच जाते हैं जबरदस्ती। अब होता क्या है कि जिस तरीके से पुरुषों के ऊपर चुड़ैल लग सकती है, उसी तरीके से स्त्रियों के ऊपर ब्रह्म राक्षस लग जाता है। अब जो ब्रह्म राक्षस होता है वो बहुत शक्तिशाली होता है, वो इतनी आसानी से नहीं जाता है, क्योंकि उसके साथ एक शब्द जुड़ गया है, ब्रह्म। ब्रह्म मतलब यह सब कुछ है, जिसके पास पूरा ज्ञान है, तो उसकी काट नहीं होती है जल्दी। ऐसा नहीं कि काट नहीं होती है, मैंने एक शब्द जोड़ा है, काट नहीं होती है जल्दी, 90% उसकी काट हो ही नहीं पाती है। दूसरी बात होती है चुड़ैल। अब ये दोनों जो चीजें हैं ये आसिक मिजाज होते हैं। अगर औरत वहां से निकली तो ब्रह्म राक्षस लग गया, ब्रह्म राक्षस ने पकड़ लिया, जकड़ लिया, और आदमी वहां से निकला तो चुड़ैल लग गई। और ये क्या होता है कि आपने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, आपकी कदकाठी ऐसी है, आपका ऑरा ऐसा है, अगर आपके ग्रहों की जो प्लेसमेंट है वो इस हिसाब से है कि आपके ग्रह ग्रहण में डूबे हुए हैं, जैसे श्रापित दोष लगा हुआ है, अमावस दोष है आपके ऊपर, आपकी कुंडली अंधी कुंडली है, ग्रहण योग लगा हुआ है, तो भी ऐसी चीजें आपकी जिंदगी में आ जाती हैं। उसके बाद होता क्या है कि ये चुड़ैल और ब्रह्म राक्षस शादी करने के बाद और भी उग्र हो जाते हैं, फेरे ले लेते हैं, और ये अपना आधिपत्य यानी अपना हक जताने लग जाते हैं आपके ऊपर, तो ये चीजें बहुत स्ट्रांग हो जाती है, और कभी कभी चीजें जल्दी पकड़ में आ जाती हैं, और कभी कभी ये छुपी रहती हैं बिल्कुल एकदम घाव की तरीके से, जो धीरे धीरे से अंदर से आपको काट रहा होता है, और आप शादी कर लेते हैं, इसका निवारण नहीं करते, और फिर ये चीजें बहुत पावरफुल हो जाती है। ब्रह्म राक्षस जो होता है उसको खुद भी बहुत सारे मंत्रों का ज्ञान होता है,
तो जब भी आप यहां से मंत्र करते हो उधर से मंत्र पढ़ता है और आपके मंत्रों को काट देता है, तो आपका काम हो नहीं पाता है, मंत्र काम नहीं कर पाते हैं। ये एक पॉइंट होता है। दूसरी बात मैंने यहां पर एस्ट्रोलॉजी की बोली है कि एस्ट्रोलॉजी में कई ऐसे ग्रहों का प्लेसमेंट होता है जिसकी वजह से ये आपके ऊपर अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपको संभोग के दृश्य भी इनसे दिखाई पड़ते हैं। जैसे अगर शुक्र और मंगल की युति आपके अंदर है, एक साथ आपके अंदर प्लेसमेंट है, अगर आपका जुपिटर बृहस्पति जो है वो रेट्रोग्रेड है, वक्री है, और उसके ऊपर भी गलत ग्रह की दृष्टि है या गलत प्लेसमेंट है उसका सातवां आठवां, तो भी ऐसा होता है, डिग्री वाइज कम है, मृत है। और इसके अलावा भी अगर आपका मंगल बहुत ज्यादा उग्र है, आपका शुक्र नीच का है, डेबिलेटेड है, बहुत ज्यादा प्रबल है, तो ऐसे में भी ऐसे इंसान के अंदर काम वासना बहुत ज्यादा होती है, अत्यधिक उग्र होती है, और इन्हीं कारणों की वजह से ऐसे इंसान ऐसा दृश्य भी देखते हैं। क्योंकि ऐसे इंसान कितना भी ब्रह्मचर्य करना पाए, करने जाए, और अपने आप पर काबू नहीं कर पाते हैं। तो तीसरा कारण यह भी है कि ऐसे लोग काम वासना की अधिकता होने के कारण दिन भर इसी तरीके से इंस्टाग्राम की गंदी गंदी रीलों को देखना, इमेजेस को देखना, खराब खराब दृश्य, पिक्चरें, किताबों, और यहां पर मैं उन चीजों का जिक्र नहीं करता हूं क्या क्या देखते हैं, आप सभी लोग समझदार हैं, वो सब चीजें भी देखते हैं, और वही चीजें हमारे स्वप्न में आके हमें परेशान करती हैं। इंसान का जो दिमाग है उसमें आप भगवान बसा लो तो भगवान बस जाएंगे, शैतान बसा लो तो शैतान बस जाएंगे। ये दिमाग जो है यही हमें कर्म करना सिखाता है, पहले प्रेरित करता है और अपने हाथ पैरों से हम एक्शन करते हैं। तो उसी प्रकार से जो हमारा स्वप्न होता है वो हमारा चेतन और अवचेतन मन को दर्शाता है। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो वास्तविकता वाले होते हैं और कुछ सपनों का कोई महत्व नहीं होता है। ये सपने जो हैं ये प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है, जिस चीज को हम सबसे ज्यादा पूरे दिन भर में सोच रहे हैं, वही सपना सजीव बन के आ जाता है। और कभी कभी तो ऐसे सपने भी इंसान को आते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे मैं सच में एकदम रियल वो चीज कर रहा हूं। ये काम वासना भी हो सकती है, संभोग हो सकता है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो सपने में एकदम रियल लगती हैं कि सपना था ही नहीं। जिस भी इंसान के ऊपर ये सब चीजें होंगी उसकी एक पहचान होती है कि ये तंत्र से किया गया है कि आपके दिमाग का मिथ्या मात्र है। अब मैं आपको बताता हूं असली इसका कंक्लूजन, कैसे पता करें कि ये तंत्र का था, किसी ने आपके ऊपर कुछ किया है या करवा दिया गया है या हो गया है, भूत प्रेत ने पकड़ लिया या आपके दिमाग का भ्रम है। पहला, अगर आपको सपना आता है, सपने को आप भूल जाते हैं, सपने में आप इंजॉय कर रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, सुबह उठने के बाद कुछ भी नहीं होता है, आप कहते हैं अरे ठीक था, कोई फर्क नहीं पड़ा आपके शरीर पे, दैट्स मीन वो सपना मात्र था। दूसरी बात, अगर उसके करने के बाद आपका शरीर टूटता है, आपके शरीर में ऐसा लगता है किसी ने वाकई में उस शरीर को अपने वश में ले रखा था, आपके शरीर में खिंचाव होता है, दर्द होता है, ऐसा लगता है शरीर आपका ऐंठ रहा है, सर भारी भारी सा है, दैट्स मीन आपके ऊपर तंत्र है। तो बहुत आसानी से आप इन चीजों का पता लगा सकते हैं। तो इसके तीन तरीके होते हैं, एक आपका दिमाग सोचता है, दूसरा आपकी कुंडली होती है, और तीसरा तंत्र होता है जिसमें कोई भी इंसान इन चीजों से रूबरू हो सकता है, वो उसकी खुद भी गलती होती है। तो यही सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जो लोग मेरे चैनल पे पुराने से हैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा प्यार कि आप सब लोगों ने इस चैनल को इतना प्यार दिया, मुझे समझा। अभी के लिए आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, और मैं अपने इष्ट श्री हरि नारायण विष्णु से यही कामना करता हूं। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।